सत श्री अकाल जी। तो अज की वीडियो आप गल करांगे भाई टी पी पास बारे। टी पी पास यार कोई वर्क परमिट नहीं हुंदा, ना कोई एस पास हुंदा, ये सिर्फ 3 महीने की एक ट्रेनिंग हुंदी है, ट्रेनिंग इंप्लॉयमेंट पास। सो इहदे विच तुसीं काम कर सकदे हो, काम करना लीगल आ। इहदे बाद तुहानूं 1 महीने की एक्सटेंशन मिल जूगी या 2 महीने की एक्सटेंशन मिल जूगी। सो टोटल तुसीं 4 या 5 महीने इत्थे रह सकदे हो टी पी पास ते। बट ये अपना चलो अच्छ गल करते हैं ये बारे खर्चा कि किन्ना अपन फायदा हो जूगा, किन्ना नुकसान हो जूगा 4-5 महीनों के। आप सारी अज ये बारे गल करते हैं। हूँ सब तो पहला जड़ा ये टी ई पी पास आ, ये ट्रेनिंग इंप्लॉयमेंट पास आ। मतलब कि तुम ऑलरेडी इंडिया के स्टडी कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी के, एक 3 महीने का इतने पार्ट होगा कि तुम इतने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हो सेम फील्ड उ चीज़ की। तो बस ये जी ट्रेनिंग है ये पेड होगी। नंबर एक तो यह हो गया। नंबर दो, जे तुसी इंडिया दे विच ऑलरेडी है ना किसी कंपनी दे विच जॉब कर रहे हो तो उ इंडिया की कंपनी का इतने सिंगापुर दे विच किसी कंपनी नाल थोड़ा बहुत कनैक्शन या थोड़ा बहुत टाई अप है तो इतों की वो कंपनी थोनू स्पोंसर कर सकती है कि तुसी इत्थे आके ट्रेनिंग कर सकते हो। तो ये दो तरीके हो गए। अपने मुंडे कहेंगे कि बई ने तो कहता कि ग्रैजुएशन चाहिए आ जा जे ग्रैजुएशन के स्टडी, पर एजेंट जिन्ने जड़े वो तो 8वीं 10वीं 12वीं पास वाले का भी लवाई जाते हैं टी पी पास। वो किदा हुंदा बना के तुहाडा बैकग्राउंड आ जिहड़ा स्टूडेंट थोनू किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का दिखाएंगे दैन अपलाई करते हैं। सो ये थोनू की नुकसान होगा जे तो तुम लोंग टर्म सिंगापुर के रहना। हूँ मान लो हूँ कई एजेंट कहेंगे कि टी पी पास तो बाद एस पास लग जूगा। जे तो तुम जेन्युइन तरीके सेम मतलब यूनिवर्सिटी के स्टडी करके आ रहे हो तो लग सकता, पर जे तुम 10वीं 12वीं पास हो तुम टी पी पास से आए हो तो इतने आके तुम एस पास अपलाई कर कोई फायदा नहीं लगना ही नहीं। क्योंकि जो आप सिंगापुर के आने शुरू के बीच ही ना थोड़ा एक नंबर बन जाता फिन नंबर। सो इनकेस जदों भी तुम फ्यूचर के सिंगापुर चाहते हो उन्होंने थोड़ा फिन नंबर भरना तो थोड़ा सारा बायोडाटा जरा उन्होंने अगे आ जाना। फिर वो की करेंगे वो थोड़ा फिन नंबर भरने चैक करे कि यह बंदा तो उरे पहला टी पी पास से है ना, तो हूँ फिर यह बंदा इस पास से क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा जोड़ा रिकॉर्ड आ यूनिवर्सिटी का शो नहीं होना। सो ता करके थोड़ा इस पास आ जोड़ा रिजैक्ट हो जूगा। हाँ टी पी पास तो बाद वर्क परमिट लगवा सकते हो क्योंकि वर्क परमिट वास्ते सिंगापुर के स्टडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हैगी। तो जे आप गल करिए सैलरी सारे की यार अलग अलग है ना। जे रेस्टोरेंट के काम करते हैं जड़े है ना मुंडे तो उन्होंने बेसिकली 1500 तो लैके 2500 के बीच तो लगती हो। तो आप चलो ये हिसाब ला लेंगे। हम कई कंपनियों का अकोमोडेशन दिंदियां ने, चलो जिन्हें अकोमोडेशन मिल जाती है उन्होंने तो ठीक सर जाता। हूँ जिन्हें अकोमोडेशन नहीं मिलती सब तो पहली गल 350 से 400 रेंट कर दो, 200 रोटी का कर दो, 150 कर दो ट्रांसपोर्ट का। सैलरी अपनी लगी है 1500 मान लो, 800 खर्चा करता पिछे बच गया 700। तो आपने महीने किन्ने लाने ने 4, 7, 24, 28 तुम 4 महीनों के 2800 डालर बचा। मैं ये सैलरी घट तो घट ला के चलिया, हो सकता थोड़ी बद भी हो है ना। तो 4 महीनों के 2800 डालर बचा तो उ जानी कि इंडिया का 1,70,000 रुपया बनता। हो सकता 2 लाख तक भी बचा सकते हो है ना। तो फिर ये भी सोचो आप ला के किन्ने आए थी, फ्री तो लगता नहीं मतलब 1500 से 2500 डालर तक तो लेंदे ने एजेंट भी लेंदे ने। सो इन्ना क मतलब ला के भी आता भी उही यार 4 महीने 50,000 से 1,00,000 रुपए के बीच बच सकता। बट यदा फायदा इन्या कि एटलीस्ट तुम अपने आप को ट्राई कर सकते हो कि हाँ मैं बाकी बाहर जाके काम करना चाहना है ना। जिहड़ा बंदे नूं चौ हुंदा ते चौ थोड़ा उहदा उतर जांदा। तो बाकी इदा 4 महीनों के सिंगापुर एक्सप्लोर कर लोगे पूरा, इत्थे दा स्ट्रगल आ जिहड़ा स्ट्रगल पता लग जूगा थोनू। तो बाकी बेस्ट आ जिहड़े मेरे वीर भरा आना चाहते हैं तो जरूर आने यार है ना। बाकी मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही सी कि थोनू रियलिटी पता लगे कि ये फायदे ने ये नुकसान ने, क्योंकि जिहड़े बंदे ने अपनी चीज़ बेचनी है वो उहदे फायदे फायदे दसूगा, वो कोई नुकसान नहीं दसदा। सो तुसी अपने बिहाफ ते सारी रिसर्च करो, MOM दी वैबसाइट हैगी उहदे जाके चैक करो कि टी पी पास चीज़ की आ। सो तुहानू आपे पता लग जाना। तो जे वीडियो अपनी वधिया लगी जी शेयर कर दिओ। मिलांगे तुहानू अगली वीडियो 'च।